ठीक है, तो देखो अब हमारे पास जैसे मान लो कोई, जैसे पूरा पूरा डिवीजन का आता है कि पूरे इस किंगडम की एक साइकिल बना के दिखाओ, ठीक है, कि किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो मेरे पास जितने भी टोटल ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी स्पीशीज है हमारे इस अर्थ के ऊपर, राइट। तो अब जैसे तुम्हें पता है कि सबसे पहले हमने क्या करा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड किया। तो प्रोकैरियोटिक कौन सा वाला क्या इकलौता किंगडम है? मोनेरा यस, तो इसका मतलब किंगडम जो जो प्रोकैरियोटिक है, किंगडम मोनेरा, इसके लिए हो गया। अच्छा, तो इस साइड हमें क्या लेना चाहिए, यूकैरियोटिक। ये हमने इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, ठीक है, यूकैरियोटिक। अब तुम्हें पता है अब जितने भी किंगडम है, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, या वो सारे सारे क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, राइट। बिल्कुल सही बात है, तो यस एक प्रॉपर्टी होगी चारों के लिए। लेकिन तुम्हें पता है अब यूकैरियोटिक के अंदर भी हमें डिवाइड करना है। तो अब मान लो अगर यूकैरियोटिक में अभी भी वो यूनिसेलुलर ही है, भाई वहां प्रोकैरियोटिक तो यूनिसेलुलर है ही है, लेकिन अगर वो अब यूकैरियोटिक में अभी भी वो यूनिसेलुलर चल रहा है, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोटिस्टा। प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा मतलब यूकैरियोटिक भी है और यूनिसेलुलर भी है, तो प्रोटिस्टा। लेकिन अगर यूकैरियोटिक भी है और वो मल्टीसेलुलर है, तो अब वो तीन हो सकते हैं, राइट, फंगस, प्लांटिया और अब हमें एनिमेलिया, फिर से एनिमेलिया। वही वाली बात डिवाइड करनी है। तो अब हम लेते हैं क्या वही चीज, सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, राइट। तो जिसके पास सेल वॉल है और जिसके पास सेल वॉल नहीं है, तो जिसके पास सेल वॉल है और जिसके पास सेल, माइनस का मतलब नहीं है, राइट। तो मुझे अब सेल वॉल, अब देखो अब सेल वॉल होने के बावजूद भी अब मेरे पास दो चीजों में उसे डिवाइड किया जा सकता है, क्या? अब जैसे मान लो जो अपना, फोटोसिंथेसाइज करता है या नहीं करता है? बिल्कुल, अब मान लो मेरे पास हाइड्रोट्रॉफिक है। हाइड्रोट्रॉफिक का मतलब जो अपना खाना दूसरों से ऑप्टेन करे, जैसे मान लो पैरासाइट हो, दूसरे से न्यूट्रिशन ले, या वो गंदगी से खाना ले, तो वो क्या हो सकता है, फंगस, राइट। फंगस ही तो है ऐसा जो मशरूम उगता है। प्लांटे लेकिन अगर वो ऑटोट्रॉफिक हुआ, मतलब प्लांटे सेल वॉल होने के बावजूद भी ऑटोट्रॉफिक, प्लांटे प्लांटे, और जिसके पास सेल वॉल नहीं है, फिर वो क्या हो जाएगा, एनिमेलिया एनिमेलिया। तो इसका मतलब समझ में आया किस तरीके से हमने ये पांच किंगडम क्लासिफाई करे हैं। अब अगर तुम्हें बस इतना सा अगर पता हो, तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। क्या अगर तुमसे पूछ जाए बताओ प्रोटिस्टा के कुछ फीचर बताओ, तो प्रोटिस्टा के फीचर क्या है, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है। तुमसे बोला जाए कि एनिमल के फीचर बताओ, तो देखो सारा, देखो एनिमल जो है वो यूकैरियोटिक है, एनिमल मल्टीसेलुलर है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं है। ऐसी फंगस का पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, ये यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, इसके पास सेल वॉल भी है, और ये हाइड्रोट्रॉफिक है। एम आई राइट? इतने सारे फीचर आ गए ना। हाँ, सर, हेटरोट्रॉफिक और सैप्रोफाइटिंग में क्या डिफरेंस है? हाइड्रोट्रॉफिक के अंदर ही सैप्रोफाइट आता है। हाइड्रोट्रॉफिक बस इतना बताता है तुम्हें कि वो खाना अपने आप नहीं बना पाएगा। अब अगर वो अपने आप नहीं बना पाएगा, तो अलग अलग लोगों पे डिपेंड करेगा। तो हाइड्रोट्रॉफिक के अंदर ही तीन चीजें आती हैं। एक होता है सैप्रोफाइटिक, जो अपना खाना गंदगी से ऑप्टेन करें, डेट एंड डिकिंग मैटर से ऑप्टेन करें, उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। जो अपना खाना दूसरों की बॉडी से लें, जैसे मान लो तुम कभी उत्तराखंड जा रहे थे, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, लेकिन तुम्हारे पैर पे एक जोंक चुपट गई, ठीक है, तो और जोंक तुम्हारी बॉडी का खून चूस रही है, तो क्या वो डेट एंड डिकिंग मैटर से ले रहे हैं, क्या वो गंदगी से अपना खून चूस रही है? नहीं, हम गंदगी थोड़ी है, तो हम वो क्या कर रही है, वो तो हमारा ब्लड चूस कर रही है, तो ब्लड जो ले रही है तो वो क्या हुई, पैरासिटिक, ठीक है। तो इससे हमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ, अगर वो खून चूस रही है हमारा, तो नुकसान और उस लीच का क्या फायदा हुआ, फायदा एक को फायदा, एक को नुकसान, इसे पैरासिटिक बोलते हैं, ठीक है। और ओके एक लास्ट सर होता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब जैसे हम, हमारे पास माउथ है, हमें हमारे पास एक अच्छा सा डाइजेस्ट सिस्टम है, हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, पिज्जा, बर्गर, रोटी, चपाती, सब्जी, आलू, बैगन, ये सब घिया, ये सब तुम खाते होगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये सबसे एडवांस वाला होता है। तो हम क्या है, हम हाइड्रोट्रॉफिक के अंदर होलोजोइक है, हम सबसे एडवांस है, ठीक है, याद रहेगा। अक्षम, यस सर एनी डाउट इन दिस? सर ठीक है, तो अब ये सब क्वेश्चन तो, हाँ हाँ बोलो बोलो, टैक्सोनॉमी ओके। तो ये हाँ, टैक्सोनॉमी, ठीक है ठीक है। तो देखो अब एक हमारे पास एक टॉपिक आया है, ये टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो देखो टैक्सोनॉमी ना, जैसे मान लो तुम एक साइंटिस्ट हो, तुमको मैंने जिम तुमको एक मंत्री बना दिया गया है, डायवर्सिटी मंत्री हो तुम सारे, ठीक है। तो तुम वर्ल्ड में अब जो डायवर्सिटी का तुम्हें निर्माण करना है, तो तुमने एक चीज का गठन किया, गठन का मतलब तुमने एक ऐसी चीज बनाई जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो एक एक तुम कहीं जा रहे थे, और एक ऐसा तुम्हें कोई ऐसा कीड़ा दिखा, तुमने कहा है ये क्या है, तुम कह रहे ये कहा जा रहा है, तो अब तुमने देखा कि ओ ये प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, क्या है, तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए। तो सबसे पहले बताओ, अगर अब तुम कौन से मंत्री हो, डायवर्सिटी मंत्री हो, तो डायवर्सिटी मंत्री का काम क्या है, डायवर्सिटी बनाना, ग्रुप बनाना, ताकि लोग इजीली पढ़ सके। तो बताओ अब क्या तुम इसको देखते, क्या तुम नहीं नहीं इसे नहीं ले रहे हम, अबे नहीं, तुम्हें सब कुछ लेना है, तुम्हारा यही तो काम था,
नहीं समझ में आया, तो तुम्हारा काम है ना कि ये किससे बिलोंग कर रहा है ताकि तुम उसे बुक में लिख सको। तो बताओ अब तुम इन सारी फीचर को देखते हुए इससे मैच करोगे नहीं करोगे कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट तो वैसे भी आंखों से दिखता नहीं, तो प्रोकैरियोट तो नहीं है, यूकैरियोटिक वो। अच्छा ये मल्टी सेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा या फिर यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर इतना बड़ा सा है खरगोश जैसा, खरगोश तो नहीं पता नहीं क्या है, ठीक है मान लो ये क्या है, बैट है ये बैट, ठीक है जैसे कोरोना वायरस आया तो ये बैट है, तो इसका मतलब ये मल्टी सेलुलर भी है, इसके पास सेल वॉल भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये किससे बिलोंग कर रहा होगा, एनिमेलिया। अब एनिमेलिया के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हमने पढ़ाई है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रीटा, नेटोफोरा, प्लेटिनमिंथस, एसेलमिंथस, ये सब कुछ सारे हैं, ठीक है थीके? तो अभी अब उनके फीचर ही पढ़ेंगे हम, तो हम मैच करवाएंगे ना ये सब ज्यादा किससे मैच कर रहा है, और जिस ग्रुप से भी इसके ज्यादातर फीचर मैच कर गए हम उसमें रख देंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले बताओ तुमने इसको आइडेंटिफाई किया या नहीं किया? Yes, ये क्या है, ठीक है कीड़ा है, मकोड़ा है, मतलब प्लांट है, एनिमेलिया क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन। अच्छा मुझे बताओ क्या इस, तुम क्या तुम इससे पूछोगे ओए तुम्हारा नाम क्या है कुची कुची, या तुम ही इसका नाम रखोगे? हमें इसका नाम क्या, क्या सांप की मौसी से किसी ने बोला था तेरा नाम क्या, उन्होंने बोला मैं सांप की मौसी हूँ? नहीं ऐसा नहीं, तो हमने रखे बेफालतू के, गांव वाले लोगों ने ऐसे नाम देखो सांप की मौसी जा रही है, कुछ लोग तो नहीं क्या क्या बोलते हैं कि सांप की मौसी के पूछ को पकड़ लो तो तुम धनवान बन जाओगे, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम एकदम पता नहीं बस स्वर्ग की प्राप्ति होती है उससे, इतने सारे पता नहीं। और इतनी खतरनाक होती है यार, इतनी खतरनाक उसे देखे डर लग जाता है। तो ये सब चीजें लोगों ने बनाई हुई है, तो ये सांप और सांप की मौसी में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सांप बहुत बड़ा होता है, सांप की मौसी बहुत छोटी होती है एक्चुअली में, ये छोटी सी सांप की मौसी और #3ontrending था। अरे तुमने क्या बोला, ये तो खतरनाक। ठीक है तो तुमने आइडेंटिफाई किया, फिर मुझे एक बात बताओ तुम्हें इसका नाम देना नहीं देना जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो? हाँ बिल्कुल, वो ये जैसे बायोलॉजिकल नेम दिया, अब जैसे मान लो श्रुति है, श्रुति को बैगन के मोमोज बहुत पसंद है, ठीक है बैगन के मोमोज आए मार्केट में नए, तो ये गई कमेटी में गई, नासा में गई, तो नासा बुलाया गया, इन नासा बुलाया आप चाय पियेंगी? नो बैगन के मोमोज। वी डोंट हैव बैगन के मोमोज, तो इसने कहा प्लीज शट अप, आई वांट बैगन के मोमोज, सो इट मींस बैगन के मोमोज, तो बैगन के मोमोज नहीं तब क्या करें बेचारे, तो इसने इस्तीफा दे दिया कि आप इस्तीफा दे दो। तो ये जो मेरे पास, तो फाइनली तो बैगन के मोमोज जो थे उस समय, तो वो एक्चुअली उनके पास थे, मेन बात तो ये थी, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि बैगन के मोमोज की ये उसी की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसे बायोलॉजिकल मोमोज के भी साइंटिफिक नेम होते हैं। अरे नहीं नहीं होते, मैं ऐसे अगर ये साइंटिफिक नेम होते तो क्या पता वो बता देते, लेकिन ये हिंदी इसने बोला, मान लो कोई लॉकी है, इन्हें बोला चलो कोई बात नहीं बैगन के मोमोज, लॉकी के मोमोज तो होंगे, वो कह रहा है लॉकी के मोमोज वो भी नहीं हमारे पास, लेकिन एक्चुअली में थे उनके पास, क्योंकि साइंटिफिक नेम नहीं बोला, तो इसलिए हमें एक नेम देना होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो इसका नाम क्या होता है, नोमन क्लेचर। ठीक है तो नोमन क्लेचर का मतलब क्या होता है, गिविंग नेम बायोलॉजिकल नेम सो दैट इट कैन बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है सर क्या नाम बोला आपने? नोमन क्लेचर, नोमन क्लेचर मतलब नाम देना, जैसे तुम्हारा नाम किसने दिया है, भगवान ने आके दिया है या तुम्हारे पेरेंट्स ने रखा है, तो वो क्या है नोमन क्लेचर। ठीक है वानिका है, वानिका का नाम किसने रखा है, पेरेंट ने रखा है, तो मेरा भी नाम ऑफकोर्स पेरेंट ने रखा है, तुम क्या सोच रहे हो साल के मार रहे, तो ऑफकोर्स पेरेंट ही रखते, तो उसे हम क्या बोलते हैं नोमन क्लेचर। अच्छा अब तुमने नाम दे दिया इसका, तो फिर अब क्या रखोगे, इनको ग्रुप में डिवाइड करोगे कि किस ग्रुप में इसे रखना चाहिए, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं लास्ट में, क्लासिफिकेशन। ठीक है तो इसका मतलब टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स या एनिमल नहीं, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं, उसका नाम देते हैं और फिर उसे पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। ठीक है नहीं आया? Yes, so, नोमन क्लेचर, तो टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमन क्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या ऑफ ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गया? यस yes, क्या नाम है, ग्रेटर नोएडा? यस सर। ओके ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास सिंपल टैक्सोनॉमी। देखो ये जितना भी चीजें तुम आज पढ़ रहे हो, क्या टैक्सोनॉमी के बिना पॉसिबल था? नो सर। अगर अगर तुम जैसे अभी तुम आगे जाके पढ़ोगे जेलीफिश, स्टारफिश, इतने सारे ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे, एडिएंटम पढ़ोगे और इक्विसिटम पढ़ोगे, स्लेजिनेला पढ़ोगे, ठीक है, और बहुत सारे टाइप के आएंगे आने वाले, ठीक है आने वाले टाइम में बहुत सारे कैटेगरीज भी आएंगे, क्लोरोफिएसी, फेओफिएसी, रोडोफिएसी, जिलोप्सिडा, साइक्रोप्सिडा, इतनी सारी चीजें आएंगी। सर, क्यों डरा रहे हो? क्या है? अरे डरा नहीं रहा मैं, बता रहा हूँ बस। तो इसका मतलब उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उन सबको हमने आइडेंटिफाई किया होगा, उसको हमने नाम दिया होगा और फिर हमने उसे एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर रखा होगा। ठीक है ये तुम्हें जितना आसान बेटा, इस चीजों से तुम पढ़ने जा रहे हो ना,
ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में लोगों का सर चकरा देती है. जो लोग बॉटनी और जूलॉजी वाले होते हैं, अच्छी बात है, उनको इंटरेस्ट होता है तो उनको मजा भी आता है. लेकिन जिनको बॉटनी में इंटरेस्ट नहीं होता, जिनको जूलॉजी में इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है. बॉटनी में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है. एनिमल में पढ़ने में तो मजा आता है लोगों को, क्योंकि वो खुद के बारे में, तुम भी तो एनिमल ही हो सारे के सारे, तो एनिमल को पढ़ने में मजा आता है. लेकिन प्लांट, प्लांट में लोगों की हालत खराब हो जाती है, कहते हैं सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्यों कर क्यों रहे हैं ये. तो थोड़ा सा मतलब डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर बॉटनी सुनने. कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? क्या हुआ राशि, तुम बहुत अपसेट रहती हो, क्या हुआ? स्कूल में डांट पिटी है, घर घर पे डांट पिटी है, पिटाई हुई है क्या? नहीं सर. तुम सीरियस टाइप हो क्या? स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि बहुत बहुत मतलब स्माइलिंग फेस था बहुत, और आजकल बहुत एकदम अपसेट रहती हो. क्या हुआ, लड़ाई हो गई तुम्हारी फ्रेंड से? ये सिमरन से? हाँ अच्छा, सिमरन से लड़ाई हुई है तुम्हारी? सिमरन सर ये मेरे साथ घूमने भी नहीं गई थी, पर मैं गुस्सा हूँ इससे. हाँ बिल्कुल रहो, बिल्कुल वैसे. तुम एक ही सोसाइटी में रहती हो वैसे? हाँ मैं सेकंड पे रहती हूँ, एट्थ पे रहती है. अच्छा अच्छा, तो घूमने क्यों नहीं गई थी राशि तुम? ये चुप चुप पढ़ रही थी सर, आपका डायग्राम बना रही थी. अच्छा, मेरा डायग्राम बना रही थी जो असाइनमेंट दिया था? ओके ओके, मेरा डायग्राम बना रही थी तो नहीं है भाई, ठीक है सर का डायग्राम. ठीक है चलो, ठीक है. मैं जानता हूँ मैं बहुत फेमस हूँ और मैं, मेरे को देख के लोग अनकंट्रोल हो जाते हैं, बट प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ. यस, तो चलो बस बस आओ, जस्ट उल्टी आ जाएगी, ठीक है. हाँ तो ये हमारे पास, ये तो हुआ चलो डायवर्सिटी के बारे में. अब हमारे पास आ रहा है प्लांट के बारे में. तो मैंने बताया प्लांट के हमें डिटेल में पढ़ना है. तो प्लांट में मेरे पास होता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा. फिर आता है मेरे पास ब्रायोफाइटा. ये क्या है, इनके डिवीजन जो मैंने फाइलम बताए थे ना, एक कंट्री में, फिर कंट्रीज मतलब एक कंट्री नहीं, एक कंट्री के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे एक प्लांट में बहुत सारी कंट्रीज होती है, तो उस तरीके से हम एंटर कर रहे हैं. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. ये टेरिडोफाइटा में पी साइलेंट रहता है आगे का, कुछ लोग उसको पटेरिडोफाइटा बोलते हैं. नहीं नहीं नहीं, ये पी साइलेंट है, टेरिडोफाइटा बोलना है, ठीक है. और लास्ट में मेरे पास जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स, और लास्ट में है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है. तो देखो अब ये है क्या मेरे पास, मैं बता देता हूँ. देखो एक्चुअली ये जो स्टार्टिंग की तीन कैटेगरीज है ना, ये स्टार्टिंग की तीन कैटेगरीज, पहली बात तो इनके पास कोई इतना फ्लावर नहीं होते, ठीक है, और इनके पास कोई सीड नहीं होते, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. तो इनका नाम होता है क्रिप्टोगैमे, ठीक है, क्रिप्टोगैमे. तो क्रिप्टोगैम्स का मतलब, क्रिप्टोगैमे का मतलब क्या है, जो लोग फ्लावर नहीं देते, जो लोग सीड नहीं दे पाते, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, ठीक है. और जो लोग सीड और फ्लावर भी दे देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फेनेरोगैम्स. तो फेनेरोगैम की कितनी कैटेगरी है मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चों? टू, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. और मेरे पास, अच्छा तो एडवांस कौन से हुए? फेनेरोगैम, फेनेरोगैम, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म मेरे पास एडवांस हुए. अच्छा मैंने तुम्हें बताया भी था, एक याद है, एक मैंने कहा था कि एक लड़की गई थी तालाब में, गाँव में, तो उसने देखा ग्रीन ग्रीन लेयर आ गई थी. यस, कौन थी वो? चलो जो भी थी. तो ये मेरे पास इस तरीके से जो पाउंड होता है उसमें ग्रीन ग्रीन लेयर देखी, ठीक है, वानिका रिमेम्बर दैट, एक जब भैंस थी इस तरीके से, तो ये मेरे पास क्या ऐसे ग्रीन ग्रीन लेयर आ गई. तो इसने देखा, ओह माय गॉड व्हाट इज दैट. तो इसने ऐसे हाथ लगाया, कह रहा है ये क्या है. तो फाइनली इसने इसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो माइक्रोस्कोप था इसके पास, तो फाइनली देखा गया कि उसमें तो प्लांट वाले फीचर है, सेल वॉल है, ऑटोट्रॉफिक है, तो फाइनली उसमें ज्यादातर फीचर प्लांट के हुए. लेकिन क्या उसमें कोई रूट है? नो सर. क्या कोई शूट है? क्या कोई लीव जैसा? नहीं, तो बहुत ही गंदे टाइप के प्लांट है, एकदम लोकल प्लांट जैसे बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब शर्म आती है कि वो प्लांट है, ठीक है. तो इसका मतलब, तो ये है सबसे प्रिमिटिव प्लांट, तो ये इनको बोलते हैं एल्गी, ठीक है. एल्गी का मतलब बहुत ही छोटे छोटे टाइप के प्लांट. तो ये आते हैं थैलोफाइटा में. देखो जाइलम फ्लोएम पानी पहुंचाने में हेल्प करते हैं प्लांट को, बड़े बड़े. क्या इनको जाइलम फ्लोएम की जरूरत है? वहीं पर ही तो है पानी. एक वो जो कह रहा कि मेरा जाइलम फ्लोएम क्या है, क्या भाई वहीं पर ही तो पानी है, पी ले यहीं पर ही. तो वहीं पर ही है, तो जाइलम फ्लोएम की क्या जरूरत है? जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनको चाहिए पानी पहुंचाने का, खाना पहुंचाने का, सब कुछ तो सामने ही है, तो कुछ फायदा है क्या? नहीं ना. अरे तुम्हारा फ्लैट है, तुम्हारे सामने ही मान लो किचन है, एक बहुत अच्छा खाना देती है वो आंटी, मान लो खाना पहुंचाती है, तो क्या तुम डिलीवरी बॉय रखवाओगे कि चलो सामने से खाना लेकर आओ सामने वाले फ्लैट से? नहीं ना. कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, हरकतें मत करो. तो ये क्या है मेरे पास, तो इसलिए जरूरत नहीं होगी जाइलम फ्लोएम की. ऐसी तो ये पानी में रहते हैं मोस्टली. ब्रायोफाइटा कहाँ पे रहते हैं? पानी भी है, जमीन भी है. तो पानी और जमीन के साथ दोनों जगह पर रहते हैं, तो जो दोनों का मतलब क्या होता है, एम्फी. एम्फी का मतलब जो दोनों के लिए यूज हो जाता है.
तो ये क्या होते हैं मेरे पास, तो इनको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. क्यों? क्योंकि अगर कोई जमीन पे है तो वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने नए नए प्लांट के लिए पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं. दे आर डिपेंडिंग ऑन वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन एंड दे कैन ऑल्सो ग्रो इन वाटर एंड अ सॉइल, मतलब टेरेस्ट्रियल. तो दोनों टाइप के फीचर है, इसलिए से बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. दोनों ही फीचर है, ठीक है, याद रहेगा भाई. Yes, Vidushi, why is it called amphibian of the plant kingdom? Can you tell me that? So what? Can you please repeat? Yeah, I can repeat that. Can you tell me why bryophyta is called amphibians of the plant kingdom? So, क्योंकि सर ये पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है. हाँ, और ये वाटर के ऊपर किसी पर्टिकुलर रीजन से भी डिपेंड करता है. वो क्या है? रिप्रोडक्शन, ठीक है, अपने स्पोर प्रोड्यूस करता है ताकि वो नया प्लांट बना सके. Is that clear to everybody? Yes, sir. तो इसके अंदर देखो दो चीजें तुम्हें याद रखनी है. मॉसेस, मौसी को बोलते हैं, मौसी कहाँ जा रही हो, इसी तरीके से क्या मॉसेस याद रखना, या मौसा जी. तो मॉसेस और एक मेरे पास है, एक होते हैं लिवर वॉट, लिवर वॉट्स. ये प्लांट्स की, प्लांट्स के नेम्स हैं, ठीक है, कैटेगरीज पढ़ोगे आगे जाके. तो मॉसेस एंड लिवर वॉट्स याद रखेंगे सब बच्चे, ठीक है, ये एग्जाम्पल है. अब टेरिडोफाइटा, अब देखो ये पहले पूरा पूरा पानी में था, फिर पानी जमीन पे आया, तो अभी थर्ड वाला कौन सा होगा? हाँ हाँ राशि, थैलॉइड और फोलियोस क्या होता है? थैलॉइड मेरे पास होता है, जैसे मान लो कोई भी एक प्लांट है, वो प्लांट पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, जैसे अभी तुमने देखा था थैलस, थैलॉइड, थैलोफाइटा, थैलस. तो ऐसा प्लांट जिसमें ना तो स्टेम ढंग से दिख पा रहा है, ना रूट ढंग से दिख पा रहा है, ना तो लीव्स ढंग से दिख पा रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? थैलस स्ट्रक्चर. और इसलिए ये क्या कहलाता है? थैलोफाइटा. ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों. सो दोस प्लांट व्हिच थैलस प्रिमिटिव हुआ ना. हाँ, सबसे प्रिमिटिव हुआ, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है. बिल्कुल, जैसे मान लो एक छोटा सा बेबी है, इतना सा तुम्हारे हाथ में आ गया, ना तो उसके हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, कुछ भी नहीं है, बस एक बॉडी सी स्ट्रक्चर है. तो तुम ऐसे करे तो क्या होगा? वो प्रिमिटिव बेबी है, क्या करे, अभी कुछ आया थोड़ी है. जैसे मान लो अगर कोई भी, मैं बोलता हूँ कि 1 month का बेबी है मदर के अंदर, वो चावल जैसा होता है. 1 month का बेबी सच में चावल जैसा साइज होता है बेबी का. तुम पहले चावल जैसे रह चुके हो, तो चावल जैसा जो साइज होता है बेबी का 1 month में, ठीक है, तो 1 month में तो उसमें कोई क्या है, कोई है, हैंड्स होंगे, लेग्स होंगे, क्या सबकी बोलती बंद हो गई, हमें क्या पता. यस सर. हाँ, तो यस सर नहीं, नो सर, तो नहीं होंगे, ठीक है. तो इसका मतलब वो क्या हुआ? अनडिफ्रेंशिएटेड. ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब अंडर डेवलप, जो डेवलप नहीं होता है. ठीक है सर. फोलियोस, फोलियोस, फोलियोस का ये तुमने कहाँ पे पढ़ा? फोलियोस ये तो तुम वैसे 11th में पढ़ोगे, तुम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो. देखो फोलियोस का एक्चुअली ये मेरे पास ना लाइकेन होता है. लाइकेन जैसे कभी अभी किसी ने देखा है कि पेड़ पे एक गोल गोल सा स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे पत्ती सी आ जाती है उसपे, फंगस जैसा दिखता है वो शक्ल से. एक्चुअली में पेड़ पे, कभी पेड़ पे भी दिखती है, काई काई सी जम जाती है. अरे गाँव के बच्चों के बिल्कुल ही अच्छे से दिखा देता हूँ. तो उसका नाम होता है लाइकेन, जो कि एल्गी और फंगस दोनों से मिलके बनता है. ठीक है, तो फोलियोस में दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखते हैं. ये लाइकेन होता है. लाइकेन का मतलब, लाइकेन मतलब ये ऐसे चीजें हैं जो सॉइल पे आ जाते हैं, ग्रीन ग्रीन. सॉइल पे नहीं, सॉइल पे थोड़ा कम होता है, पत्थर और प्लांट के सरफेस पे ज्यादा आते हैं. ग्रीन कलर. हाँ हाँ, ग्रीन मैंने देखा है. हाँ मैं दिखाया था, ये उत्तराखंड में तुम्हें बहुत दिखेंगे, जहां पे पॉल्यूशन नहीं होता ना वहां पे दिखते हैं. देख रहे हो ये? अरे सब देख पा रहे हो? वानिका मुंह में पानी आ गया, कंट्रोल योरसेल्फ. हाँ, कह रही है तो मैं सब्जी में डाल के खाती हूँ, एकदम एकदम अलग ही तड़का लगा के एकदम. ठीक है ठीक है. तो ये मेरे पास देखो, ये पेड़ के ऊपर दिख गया इस तरीके से. तो ये क्या होता है? ये लाइकेन होता है. और ये लाइकेन हमेशा कहाँ पे उगता है? जहाँ पे पॉल्यूशन होता है, जहाँ पॉल्यूशन नहीं होता है. जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं, अगर तुम्हें कहीं पे, कहीं पे अगर तुम्हें ये दिख गए, इसका मतलब वो बहुत पॉल्यूशन है. तो एकदम लंबी लंबी सांस लो वहाँ पे, ताकि तुम्हें अच्छा लगे. ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे, इतने सालों से तो पॉल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हो. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर. यस राशि, वैसे राशि. ओके नाउ टेरिडोफाइटा. तो टेरिडोफाइटा देखो, जमीन पे आ गए, पहले पानी, अब पानी जमीन, और अब जमीन. यही तो होता है भाई, पहले पूरा पूरा पानी में होता है, फिर थोड़ा जमीन पे आया, और अब पूरा जमीन पे आ गया. तो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल कौन है? टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा भैया, मैं जानता हूँ उसका नाम टफ है बोलने में, लेकिन तभी मत शर्माओ, टेरिडोफाइटा. ठीक है, तो ये टेरिडोफाइटा के बाद देखो, इनकी थोड़ी सी हाइट बढ़ गई है, तो इनको जाइलम फ्लोएम चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? यस सर.
बिल्कुल, तो इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं और इनको पानी और फूड वूड चाहिए होता है, इसलिए इनके पास जाइलम फ्लोएम तुम्हें मिलेगा और ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। तो इसके एग्जांपल याद करना। अच्छा, किसने फर्न्स देखे हैं? फर्न्स, यस सर। ये फर्न्स वैसे सोसाइटी में भी लगाते हैं, कुछ कुछ बिल्डर लगाते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए कि आओ आओ फ्लैट खरीदो, देखो देखो कितने सारे फर्न्स हैं। मतलब ऐसा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका मीनिंग यही होता है कि देखो हमारे यहाँ पे तो वेजिटेशन ही वेजिटेशन है। मतलब मैं तो हिमालय प्राइड में रहता हूँ, तो उनकी तो थीम ही पूरी की पूरी वेजिटेशन के ऊपर है। तो उन्होंने तो पूरे उन्होंने तो इतने सारे लगा रखे हैं कि लोगों के घरों में सांप आ जाते हैं, बताओ हद हो गई। तो इसलिए अच्छा कि मैंने ग्राउंड फ्लोर पर नहीं लिया, क्योंकि सांप सांप की मौसी सभी आ जाते हैं वहाँ पे, सच में आ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर सांप घूमते हैं, बताओ हमारे यहाँ पे हद हो जाती है। बताओ हम दिल्ली से यहाँ पर आए कि थोड़ा सेफ रहेगा, दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ही तो जंगल जैसा फील होता है। बस नाम नोएडा नहीं तो एक तरह से झारखंड और वैसे ही फील आती है। देख रहे हो ये क्या, ये जो प्लांट तुम देख रहे हो इसे हम क्या बोलते हैं? फर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्न है, ये देख रहे हो इसलिए सुंदर सुंदर से। ये तुम लोग हरकतें भी करते हो, मान लो तुमने देखा ये फर्न तो तुम ऐसे करते हो, पत्तियां खींच लेते हो, सारी पत्ती तुम्हारे हाथ में और अपने दोस्त के फेंक देते हो। ऐसी हरकतें बच्चे बहुत करते हैं, तुम नहीं करते हो कि पता नहीं, लेकिन टेंथ के बच्चे ऐसी हरकतें बहुत करते हैं कि स्कूल स्कूल में दिख गया, ऐसे हाथ लगाया पत्ती पे, ये पत्ती टूटती नहीं है तो बस ऐसे खींच लेते हैं, सारी पत्ती अपने हाथ में आ जाते हैं छोटी छोटी और फिर ऐसे उड़ा देते हैं ऐसे करके। तो बहुत बच्चे कर, चौक उसके साथ करते हैं, चौक का पाउडर होता है ना, जब मैम लिखती है तो उसमें से पाउडर निकाल लेंगे, पेपर में रोल करके पूरे धूल मिट्टी से एकदम ब्लास्ट कर देते हैं। तो ऐसी हरकतें कुछ बच्चे करते हैं, मे बी तुमने ना क्या हो, तुम्हारा जमाना अलग है। हाँ भाई, तो फन हो गया, स्लेजिनेला हो गया, अरे वाह वेरी गुड। आजकल तो वैसे मार्कर वाला मार्कर वाला सिस्टम आ गया ना आजकल, तो सबके साथ व्हाइट बोर्ड। मेरे टाइम पे तो वो था ब्लैक बोर्ड टाइप का सिस्टम, तो टीचर जब भी लिखते थे पहली बार तो टीचर लिखते थे उसके चौक मार दिया इस टाइम, मतलब उसके नहीं चौक पे इस टाइम मार दिया। एक मैम नई नई आई है तो तीन चार चौक आई धड़ धड़ तो मैम क्या है तो मैम तो बेचारी डरी गई, खेरी ऑल इज वेल, उनको डर था कि मेरे यहाँ लग जाए। तो एक वही वो भी आती थी मैग्नेट ट्र ऐसे करके, जैसे मैम कुछ बोलती चर्र कर दिया पीछे से, तो थप्पड़ भी लगते थे वो बात अलग है, लेकिन यूनिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, थप्पड़ लगेंगे तो सबके लगेंगे कोई बात नहीं, सब सह लेंगे। लास्ट वाले बच्चे के मजे आते थे जब जब तक मैम थक जाती थी कि बदतमीज मेरे हाथ थका दिए, तो इसलिए लास्ट में बैठो सबसे, और सबसे जो आगे बैठते थे उनके बहुत तेज लगता था, वो कह रहे हमारी तो गलती भी नहीं थी, हमें भी फलती मार दिया। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सर आपने सिम्नोस्पर्म लिखा है, सिम्नोस्पर्म नहीं है सर, वो भाई मेरा वो स्टाइल है जी बनाने का। ठीक है, हाँ एस में ऐसे करके बनाता हूँ, बिल्कुल ज्यादा ही अच्छा स्टाइल। तो ये मेरे पास जी है, तुम टोंट मार रहे हो मुझे अभी, रुक जा। हाँ, तो ये मेरे पास जिम्नोस्पर्म में देखो, तो इनके जो सीड होते हैं ना, सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, इनके सीड ऐसे दिख जाते हैं, देखो सीड दिख गया, देखो 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 सीड दिख गया, क्यों? क्योंकि ये भी मेरे मेरी सोसाइटी में बहुत सारे हैं, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें लग रहा हो कि सागर से तो कितना फेंकते, तुम आके देखो हिमालय की पूरी थीम ही इसके ऊपर है, तो तुम्हें साइकस पाइनस ये बहुत जगह पे दिख जाएंगे। देखे ना वो ऐसे तो फैले होते हैं, बीच में से बड़ा निकला होता है जो लगता है ये वो होगा एक अनानास जैसा, लेकिन वो अनानास नहीं होता, उनका सीड होता है। कभी देखा है जो ऐसे फैला हुआ होता है गोल गोल? अरे यार तुम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा क्या? अच्छा मैं दिखा देता हूँ, और जिसको रियल में देखना है वो आ जाना हिमालय पर, हम दिखा देंगे। ये देखा नहीं है क्या सोसाइटीज में लगे होते हैं? देखा है सर। ये प्लांट तो जानबूझ के लगाए जाते हैं क्योंकि थोड़ा ठीक ठाक भी आता है और ज्यादा एरिया कवर करता है, और प्लांट नहीं लगाने पड़ते, तो एक ऐसा प्लांट जो ज्यादा एरिया कवर करे, बिल्डर को तो यही चाहिए, ग्रीन ग्रीन दिखा हर जगह पे, हमारी सोसाइटी सबसे ज्यादा ग्रीन है, मोस्ट ग्रीन सोसाइटी कहने को तो हर कोई बोलता रहता है। ठीक है, तो ये से ये क्या है? ये जिम्नोस्पर्म्स हैं। इसके बीच में ये देख रहे हो, ये देखो ये रहा, ये रहा, ये मेरा एरो देख पा रहे हो, ये तो ये क्या है? ये इनका सीड होता है। तो इनके सीड के ऊपर कोई फ्रूट है या सीड दिख गया डायरेक्टली? तुम लोगों को दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है? सीड सीड है ना। अरे भाई जब भी तुम पपीता खाते हो, जैसे मान लो ये वानी को पपीता बहुत पसंद है, तो अगर पपीता तुम लोग खाते हो तो पपीता के अंदर, मतलब पपीता के बाहर सीड होता है या अंदर सीड होता है? अंदर अंदर होता है ना। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? वो सुना नहीं क्या? पीतल के पतले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतले में पपीता पीला, बोलो बोलो दसवा। हाँ, तो इसका मतलब तो पपीता के अंदर मेरे पास क्या होता है, सीड होते हैं तो फ्रूट बाहर होता है, तो ये बाहर इसका मतलब सीड इसके कवर्ड है। लेकिन मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो इनके सीड बाहर होते हैं, इसका मतलब क्या जिम्नोस्पर्म में कोई फ्रूट होगा? नो सर, नहीं होगा, इनके सीड तो ऐसे ही ओपन है। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए अच्छे कौन से हैं जिससे तुम्हें फायदा मिलता है? बताओ, मैंगो, पपीता, एंजियोस्पर्म। तो इसलिए एंजियोस्पर्म पूजा करनी है तो एंजियोस्पर्म की करो, क्यों? क्योंकि वो तुम्हें खाने पे, बताओ मैंगो इतना तगड़ा चीज है,
मैंगो को गंद मचा देता है, तो बाहर लोग खाते हैं वो मैंगो पीसेस, तो बड़े आराम से खाएंगे। असली अगर मैंगो को खाते देना तो घर आ जाओ किसी के, उसके वो एकदम ऐसा लगता है उसके हाथ पैर एकदम सब ऐसे सान लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे को खिला दो, उसके हाथ में बस एक आम दे दो छोटे से बच्चे के हाथ में, देखो वो उसका क्या क्या बनाता है, वो गंद मचा देगा उसके साथ देखना। तो उसी में उल्टी करती उसने, उसी में वो खा रहा है, बहुत गंद मचाता है छोटे बच्चे, ठीक है। तो यस, कुछ लोग तो बड़े बड़े भी कर देते हैं ऐसे करते। तो ये जिम्नोस्पर्म क्या होता है, सीड इनके नेकेड होते हैं, सीड्स आर नेकेड। लेकिन एंजियोस्पर्म के सीड नेकेड होते हैं क्या, सीड्स आर कवर्ड। सर कॉटिलेडन का क्या मतलब होता है? आते हैं सर, अभी आते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कॉट। जैसे कि तुम जैसे मुझे एक बात बताओ, अच्छा जिम्नोस्पर्म तो इतना हो गया, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म को फिर से बांटा गया, मैंने बताया ना वो प्लांट, और देखो तुम्हारा भाई देख रहा है तुम्हारे पीछे सिमरन, यस। तो वो हमारे पास अब देखो दो चीजें होती है मेरे पास, एक होता है डाइकॉट और क्या, देखो देखो वो कुछ, हाँ 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 मैं नहीं देख रहा, ठीक है वेरी गुड। तुम आओ बेटा तुम्हें बताएंगे अच्छे से, आओ तुम नाइन क्लास में। हाँ तो मेरे पास डाइकॉट और ये मेरे पास है मोनोकॉट। तो देखो ये क्या होता है मेरे पास, मुझे एक बात बताओ, मूंगफली तो खाई होगी सबने, पीनट्स बोलते हो ना तुम उसे, तो पीनट जो होते हैं, तो पीनट में मुझे बताओ मूंगफली का एक तुमने एक छोटा सा वो ले लिया, तो जब तुम उसे तोड़ते हो वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है या नहीं बढ़ता है? यस सर बढ़ जाता है, एक कट लगा होता है उसमें। तो इसका मतलब वो जब तुम खाते हो तुम्हें अच्छा लगता है बहुत बुरा सा लगता है? अरे अच्छा लगता है, मूंगफली तो एक ऐसी चीज है कि सर्दियों में दो दो किलो एक दिन में खत्म कर देते हैं कुछ बच्चे, बैठते हैं तो फिर तो बस वही खाते रहते हैं। सच बता रहा हूँ, एक बार टेस्ट आता है तो। सर बहुत गंदा है, मूंगफली नहीं खाते तुम लोग? चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इसका मतलब मूंगफली के जो दो हिस्से से इजिली कट हो जाते हैं तो वो है डाई कॉट। डाई मतलब दो कॉट, और कॉट का मतलब क्या है, ये रिजर्व फूड मटेरियल, जिसमें फूड मटेरियल होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं देखा है किसी ने? गेहूं अरे तुम लोगों ने देखा, कैसे खेती नहीं करते क्या तुम लोग? हमारे जो पीछे गार्डन बना हुआ है, गार्डन नहीं वो खेती बनी हुई है जब तुम गांव में रहते थे। तो इसका मतलब क्या, ये तुम जब जब गेहूं निकालते हो तो गेहूं को देखना, गेहूं में कोई कट नहीं लगा होता, गेहूं को इसलिए तुम तोड़ नहीं सकते, जबरदस्ती तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। मूंगफली अपने आप दो हिस्सों में टूट जाती है, लेकिन गेहूं कभी अपने आप दो हिस्सों में नहीं टूटता है। तो ये क्या हुआ, मोनोकॉट। ये क्या हुआ? अरे यार तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। अच्छा मोनोकॉट वो जो एक दाल आती है वो, देखिए वो पीली पीली दाल जो आती है मोटी मोटी सी, एक तो होती है छोटी सी जो मूंग, हाँ शायद मूंग की दाल है वो। तो मूंग की दाल ना वैसे चने की दाल होती है, मूंग नहीं, मूंग की दाल अलग होती है, चने की दाल की बात कर रहा हूँ। चने की दाल थोड़ी मोटी होती है, तो वो दो हिस्सों में कटी होती है ना, एक हिस्सा प्लेन और एक हिस्सा ऐसे कर्व्ड, इस साइड भी एक प्लेन और एक कर्व्ड, कभी देखा है? Yes, sir. कोई बात नहीं, देखा तो ये पूरा गोल होता है एक्चुअली में, और ये यहाँ से ऐसे कट लग जाता है। तो ये वाला हिस्सा अलग, ये वाला हिस्सा अलग। तो बताओ ये डाइकॉट हुआ या मोनोकॉट? डाइकॉट हुआ। तो इसका मतलब विच हैव दी टू कॉटिलेडॉन्स दैट इज कॉल्ड डाइकॉट, एंड विच हैव दी वन कॉटिलेडॉन दैट इज कॉल्ड मोनोकॉट। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये किसके पार्ट है डाइकॉट और मोनोकॉट? एंजियोस्पर्म्स के। यस सो विदुषी कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ डाइकॉट? कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ डाइकॉट? No idea. Okay, very good, very well. Because मैंने भी बताया नहीं है ना डाइकॉट क्या होता है। सर पीनट्स। हाँ, पीनट में दो पीनट को दो हिस्सों में कर सकते हैं ना विदुषी? सर मैंने सोचा वो तो आपने बता ही दिया है, कुछ और याद नहीं। नहीं वही तो पूछा था मैंने, ठीक है वेरी गुड, तुमने इतना सोचा। मैं जानता हूँ बहुत, तुम्हें लगता होगा कि मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है, लेकिन नहीं, पहले मुझे एक्सपेक्टेशन थी लेकिन अब वो एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। तुम कुछ भी बोलोगे तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। हाँ तो डाइकॉट का मतलब क्या है, दो कॉटिलेडॉन, और कॉटिलेडॉन क्या होता है जिसमें क्या भरा होता है राशि? सर पता नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होगी ना, ये तो आपने बता ही दिया था, कुछ और बताने के लिए। रिजर्व फूड मटेरियल जिसमें होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, ठीक है, प्रोटीन हुआ। ये कौन हंस रहा है बड़े अच्छे तरीके से? यस सिमरन, ऑजस लग रहा था मुझे तो, प्रथम प्रथम था। हाँ ठीक है चलो भाई। तो ये मोनोकॉट में रिजर्व फूड मटेरियल, डाइकॉट में भी रिजर्व फूड मटेरियल, बस यहाँ पे दो होंगे, ठीक है भाई। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है भाई, तो पूरा का पूरा प्लांट यहाँ पे एक बेसिक चीजें खत्म होती हैं। अब एनिमल बचा हुआ है, ओए एनिमल खुद कर लियो भाई, ठीक है। और ध्यान रखना सारा का सारा मैमल्स का अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और पॉलीफेरा सिलेंट्रिटा ये सब चीजें बहुत एग्जाम्पल एटेस्ट करके जाना। प्लांट तक मैंने कर दिया है, जितना हो सकता था मैंने उतनी कोशिश करी है भाई बहनों।
ठीक है, अब बाकी के लिए एक्स्ट्रा हम मोनोकॉट का एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? वीट, वीट, गेहूं, गेहूं, ओके सर, वीट। सो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, हम कौन सा नेक्स्ट चैप्टर जैसा तुम बोलो। अच्छा एक सेकंड, जस्ट गिव मी वन सेकंड सर, व्हाई डू वी फॉल इन सर केमिस्ट्री। चलो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हां करते हैं उसके बारे में। थैंक यू सर।